देखिए, कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत ने उनकी सरजमी पर उनके एक नागरिक की हत्या करवाई। वहीं अब अमेरिकी अधिकारियों ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों की मीडिया और नेता भड़क गए कि अगर निज्जर की हत्या में भारत सरकार का जरा भी हाथ है तो भैया भारत पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इस पर व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में विरोधियों को टारगेट करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, अगर भारत ने ही कनाडा में मर्डर का आदेश दिया था तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका ने विदेश में जो हत्याएं की हैं, क्या उनके लिए द इकोनॉमिस्ट और बाकी मीडिया ये कह सकता है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे, जबकि अमेरिका और इसराइल विदेश में हत्याएं करने के मामले में सबसे आगे हैं? क्या विदेश में हत्या करवाना इतना आसान है? अगर हाँ तो भारत दूसरे देशों में आतंकियों को मारने की क्या कीमत दे सकता है? चलिए आज इसी का पंचनामा करते हैं। 18 जून 2023 इस दिन कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है, जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच अभी तक 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक्चुअली ट्रूडो सरकार का कहना है कि कनाडा में जो जांच चल रही है भारत उसमें कोऑपरेट करे। वहीं अमेरिकी अधिकारी भी भारत को यही सलाह दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे तो इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी यही बात रिपीट की। कुल मिलाकर भारत को घेरने में अमेरिका बाकी देशों से आगे है, जबकि अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA की ऐसी तमाम हरकतें हैं। अब इस पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि अमेरिका आजकल प्रवचन दे रहा है। दरअसल वो मुहावरा है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका भी उसी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वहीं दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो 5 Eyes कंट्रीज इंटेलिजेंस अलायंस है, उसके जरिए कनाडा को निज्जर की हत्या को लेकर सबूत मिले हैं। लेकिन ये सबूत अब तक भारत के साथ शेयर नहीं किए गए। इस तीखी बहस को देखकर हम दो बातों पर फोकस जरूर करना चाहेंगे। एक, दुश्मनों को विदेश में खत्म करने के अधिकार के बारे में कि कैसे पश्चिमी लोगों में बहुत ज्यादा दो मुहापन है। दूसरा, बदला लेने के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर, जो अपने दुश्मनों को बड़ी ही खुफिया तरीके से रास्ते से हटा देती है, इसके बावजूद भी भारत को घेरा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया प्रवचन दे रहा है कि रूस और सऊदी अरब विदेश में जिस तरह से हत्याएं करते हैं, भारत को उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। असल में वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत को अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहिए? यानी अमेरिका विदेश में दुश्मनों को खत्म करे तो ठीक, लेकिन रूस या तीसरी दुनिया यानी भारत और ईरान जैसे देश ऐसा करें तो ये गलत है। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने ये पहली बार किया है। वो पहले भी भारत और पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए को निपटाता रहा है। तब तो पश्चिमी देशों के इन क्रिटिक्स को कुछ खास परेशानी नहीं हुई। एक्चुअली वे पश्चिम देशों के नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका कहना है कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पश्चिम में कानून का शासन है। असल में ये एक बेमतलब की दलील है क्योंकि सबको पता है कि कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर कैसे ऑपरेशन चलाते हैं। वहीं अमेरिका में बोस्टन के हर आयरिश बार में आयरिश आतंकियों के लिए चंदे के लिए एक बॉक्स रखा जाता है। ये सब पाखंड और दो मुहापन नहीं है तो क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन को क्या अपनी करतूतें याद नहीं है? क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की जान लेने की कोशिशों से लेकर हथियार रखने के झूठे आरोपों में इराक पर हजारों टन गोला बारूद बरसाने तक इन पश्चिमी देशों की कारिस्तानियों की लंबी लिस्ट है। फिदेल कास्त्रो तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उनके अलावा अमेरिका के निशाने पर कई दूसरे नेता भी रहे हैं। CIA की हरकतों की जांच करने पर यह पता चला कि एजेंसी ने साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट नो डिंग डीएम और कांगो के प्रेसिडेंट पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या की भी साजिश रची थी। इसके अलावा शाइल में प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलंदे हत्या में भी उनका हाथ रहा है। और इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस की कमेटियों ने CIA के इतने बेलगाम होने पर चिंता जताई है और नतीजा ये रहा कि 1975 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड ने एक कानून बनाया जिसमें राजनीतिक हत्याओं पर रोक लगाने की बात कही गई। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों की हत्याएं होती रहीं जिन्हें अमेरिका आतंकवादी मानता था। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका ने इराक में 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को शक के बिहाफ पर हत्या की है। इनमें इराक में अलकायदा, बाथ पार्टी और शिया उग्रवादियों के टॉप लोग भी शामिल थे। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इन मर्डर्स का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका ने दूसरी जगहों पर कम से कम 60 कट्टर इस्लामिक लोगों की हत्या की। इनमें ईरान में कुर्द फोर्स के हेड कासिम सुलेमानी और लेबनान में
हिजबुल्ला के डिप्टी हेड इमाद मुगनिया के नाम भी शामिल है। अब ज्यादा पीछे भी ना जाएं तो 9/11 के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था। कुल मिलाकर जिसे उन्होंने दुश्मन मान लिया उसे मार डाला, तब उनके मन में किसी देश की सॉवरेंटी के सम्मान का ख्याल नहीं आया। टारगेटेड किलिंग करने वाले इसराइल जैसे देशों से अमेरिका का याराना किसी से छुपा तो है नहीं। इसराइल भी ऐसी हत्याओं के लिए फेमस है। उसका कहना है कि ये सब वो सेल्फ डिफेंस में करता है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस और दूसरी ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने ऐसी हरकतों की निंदा की है, लेकिन अमेरिका, नेटो और उनके सहयोगी देशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उस वक्त उन्हें आतंकी कहा गया, लेकिन जब इसराइल देश बन गया तो वही हत्यारे इसराइल के बड़े राजनेता बनते चले गए। कई अमेरिकी नेताओं और मीडिया ने उनकी जमकर तारीफ भी की है। उन लोगों ने हजारों फिलिस्तीनियों और हिजबुल्ला से जुड़े लेबनान के लोगों की हत्या कराई। इसे सिविल वॉर का नाम दिया गया। लेकिन जब फिलिस्तीनी पार्टियों ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की तो इसराइल ने बदला लेने की कसम खाई। उसने रोम और पेरिस से लेकर नॉर्वे, लेबनान और साइप्रस तक ढूंढ ढूंढ कर हर हमलावर को मारा है। क्या इसे सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता है? ये तो साफ तौर पर बदला है। फिर भी पश्चिम नेताओं और मीडियाओं ने इसकी निंदा करने से ज्यादा इसकी तारीफ की। पिछले कुछ दशकों में तो खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम देने का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन ऐसे काम अपनी सीमा के भीतर या फिर ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देश तक सीमित रहते हैं। ये नहीं था कि दुनिया के सारे दूसरे छोर पर जाकर इस तरह के मिशन को अंजाम दिया जाए। अमेरिका और रूस के बारे में बात की जाए तो वे किसी भी देश में घुसकर अपने टारगेट को निपटा देते हैं। तो क्या पश्चिमी देश जो सवाल उठा रहे हैं वो केवल भारत के लिए है? नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉरी कॉर्मैक के अकॉर्डिंग, अगर भारत पश्चिमी देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए सीक्रेट मिशंस चला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से देश ऐसा करते हैं और ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। अगर अमेरिकी आरोपों पर वापस लौटे तो इसमें और हथियारों की तस्करी में शामिल निखिल गुप्ता पर इल्जाम है कि उसने पन्नू की हत्या को अंजाम देने के लिए एक हिटमैन को करीब 83 लाख की सुपारी दी है। वो हिटमैन असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक निखिल लगातार एक इंडियन ऑफिसर के साथ कॉन्टेक्ट में था, जिसने उसे गुजरात के क्रिमिनल केस से बचाने के बदले पूरी साजिश रचने का सौदा किया। इस बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहनी का कहना है कि भारत या दुनिया की किसी भी एजेंसी के लिए अपने टारगेट का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है और ना ही विदेश में घुसकर उन्हें ठिकाने लगाना। वहीं आप इस तरह की एक्टिविटीज के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं ये पूरी तरह से आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस और पॉलिटिकल जुड़ाव पर डिपेंड करता है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे कि अरे हमने विदेश में घुसकर भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। वहीं अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, बीजेपी चीख चीख कर कह रही थी हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा और कांग्रेस सबूत मांग रही थी। खैर आपको बता दें कि भारत अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए खास जगहें भी सिलेक्ट कर रहा है और इस बार उनका इशारा चीन की ओर है। जहां भारत इस तरह किसी मिशन को अंजाम नहीं देता, वहीं अगर सुनी सुनाई बातों को छेड़ दें तो भारत ने दूसरे देशों में जाकर जो भी एक्शन लिया है वो असल में आतंकवाद से निपटने के लिए एक छोटी सी पहल है। हालांकि इस तरह के एक्शन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो रियलिस्टिक होने की बजाय ड्रामेटिक ज्यादा होते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस तरह के मिशंस की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर ये देखते हुए कि रूसी सरकार न जब पश्चिमी देशों में जाकर अपने नागरिकों स्पेशली दुश्मनों को निशाना बनाती है तो उस पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए प्रोफेसर कॉर्मेक के अकॉर्डिंग भारत पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की गुंजाइश ना के बराबर है और ना ही अमेरिकी आरोपों से ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह के आरोपों के बाद रूस और सऊदी अरब से अमेरिकी की तनातनी हुई, लेकिन बाद में सब कुछ शांति से सुलझ गया। प्रोफेसर कॉर्मेक के मुताबिक अगर भारत इस तरह के मामलों में शामिल है भी तो भी उसके खिलाफ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। वहीं किसी दूसरे देश में घुसकर इस तरह की हत्याओं का चलन अमेरिका ने ही शुरू किया था। अमेरिका के खिलाफ युद्ध का नाम देकर फिर दूसरे देशों में लीगल प्रोसेस से परे हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं भारत ने अमेरिकी आरोपों पर जिस तरह रिएक्शन दिया उससे दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की झलक मिलती है।
हालांकि ये काफी मामला नाजुक है, यही वजह है कि दोनों ही देश नापतोल कर बात कर रहे हैं। किसी के बयान में अग्रेशन की झलक नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे मामलों का असर काफी वास्ट होता है। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।